तो हम लोग अभी चंद्रभागा बीच से डायरेक्ट आ चुके हैं कोणार्क सन टेम्पल, और यहाँ पे हम लोग को अभी टिकट कराना है जो कि पर पर्सन 40 रुपये है, और जो 15 साल के बच्चे होते हैं उनका टिकट यहाँ पर नहीं लगता है, और जो विदेश से टूर कर रहे हैं उनका में भी 600 रुपये प्राइस है। और हम लोग अंदर चल चुके हैं कोणार्क टेम्पल, देख सकते हो सामने में कितना सुंदर लग रहा है, छोटा सा दिख रहा है ये। और हमारे सभी साथी लोग अभी चल रहे हैं, चलो चलो चलो। कहाँ, अरे बहुत महंगा तो देते हैं। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कोणार्क सन टेम्पल, और देख सकते हो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा, वाव। और यहाँ पे लोग, यहाँ का क्राउड देख सकते हो, यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। अभी दिन का 10:30 बज रहा है, 10:30 हो रहा है और टाइम, और इतना टाइम में ही देखो यहाँ पे भीड़। और ये महारानी लोग तो कहीं भी चालू हो जाते हैं फोटो के लिए। मैं भी आ रही हूँ, रुको। जो हम लोग आज तक फोटो वीडियो में देखते आए थे उसको आज हम लोग अपने सामने देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम लोग कभी नहीं सोचे थे नहीं आएंगे, कभी नहीं सोचे थे कि यहाँ आ पाएंगे और देख पाएंगे, आ गए। सोचे नहीं रहते, वही तो होता है। वाह कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे काफी भीड़ है यार, वीडियो वीडियो बना पाएंगे? नहीं, अब जाते चल के देखते हैं, पता चलेगा। इसको रिन्यू भी नहीं करवाए ना? नहीं, ये पुराना ही है लग रहा है। नहीं, जैसा का तैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं होता। हाँ, इसको दिखाने के लिए ही बनाते हैं। नहीं, फोन हम लोग का कैमरा क्यों लेंगे यार? वही तो, ये तो साथ ही है। 75 आज़ादी अमृत महोत्सव। तो अपन जाते हैं अभी कोणार्क टेम्पल के अंदर, बस यहाँ का क्राउड ही बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत है इधर। अगर आप सभी कभी घूमने आए तो ठंडी में आइएगा, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। वाह मस्त लग रहा है। सुनो ना, ये जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है सेम है ना? हाँ, यहाँ से वहाँ गया है, इसी का सेम यही है। तो गाइज मैं आप सभी को कोणार्क मंदिर का परिचय दे देती हूँ। ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है, और ये पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और ये मंदिर 1238 में स्टार्ट हुआ था बनना, और 1250 में बनके तैयार हुआ। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था नरसिंह देव। और ये जो मंदिर है 12 साल में बनके कंप्लीट हुआ, और इसको 1200 लोगों ने बनाया था, और ये 12 एकड़ में बना हुआ है। और इसके लिए 40 करोड़ सोने के सिक्के सर्च हुए थे। और देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो छोटा छोटा मूर्ति दिख रहा है ना, ये सब जो नृत्य कला है ना, वो सबको दर्शाया गया है इसमें। और यहाँ पे ऐसे पार्क देख सकते हो, ये रसोई घर है, और इधर कुछ और भी बना हुआ है। यहाँ का क्राउड देखो, बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं भाई घूमने यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, विदेशी लोग भी टूर कर रहे हैं यहाँ। ये रसोई शाला है, किचन। हाँ,
वाओ कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग को अगर कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा एक बार देखने के लिए, सब देखना चाहिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग तो बड़े मुश्किल से पहुंचे लेकिन आ ही गए, बहुत अच्छा है। मैं क्या बोलूं इसके तारीफ में, बोलने के लिए लफ्ज ही नहीं है, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। अरे बाप रे, मैं घास पे आ गई, यहाँ पूरा पानी है। वाओ देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है। अभी पीछे से मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो गाइस कोणार्क मंदिर में तीन गेट हैं और ये ट्रायंगल में बना हुआ है, इसलिए इसको कोणार्क मंदिर बोलते हैं। इस मंदिर का गेट हमेशा बंद ही रहता है क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ हुआ ही नहीं जब से बना है तब से, कुछ दिन तक हुआ था, उसके बाद ये मंदिर टूटने लगा। उसी टाइम से यहाँ के जो राजा थे वो छोड़ के चले गए इस मंदिर को, उसके बाद मंदिर बंद ही हो गया। तब से यहाँ पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ, गेट पूरा बंद हो गया है इसका। देखो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं भाई। तो गाइस यहाँ गर्मी बहुत है, मेरे को देख सकते हो पीछे जो ये गोला गोला जो दिख रहा है, जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसमें पहले के लोग टाइम देखते थे, समय देखते थे, और यहाँ के लोग भी देख के बता सकते हैं लेकिन हम लोग को आता नहीं है। और इधर से पूरा देख सकते हो तीनों गेट बंद हो चुका है, लेकिन बोल रहे थे यहाँ के लोग कि ये गेट खुलने वाला है, कुछ सालों के बाद खुलेगा, तो शायद सब हम लोग अंदर से भी इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं खुलेगा या नहीं। ये मंदिर काफ़ी टूट फूट भी गया है, आधा टूट गया है और आधा बचा हुआ है, तो इसको सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत कुछ कुछ इसको बना भी रहे हैं अभी, उसके बाद ये खुलेगा। यह 127 फीट ऊंचा है मंदिर, ये पहले 150 फीट था लेकिन 23 फीट गिर चुका है और 127 बचा हुआ है अभी। बनाने के चक्कर में मैं अकेले घूम रही हूँ और बाकी सब पता नहीं कहाँ कहाँ है, पूछती हूँ मैं लोग को। पूरा मंदिर के एक राउंड में घूम ली और बाकी सब लोग अभी पता नहीं किधर हैं, देखती हूँ मैं किधर हैं वो लोग। दीपक तो दिख गया मेरे को लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, देख सकते हो कि आप लोग कितना पसीना आ रहा है मेरे को गर्मी से। ठंडी में आइएगा आप लोग घूमने के लिए, यहाँ गर्मी में ठीक नहीं है रहना, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ। हम लोग की जितना ज़्यादा गर्मी छत्तीसगढ़ में पड़ता है उतना अभी है यहाँ पर। फरवरी मार्च का फर्स्ट, एक दो तारीख है आज। ए दीपक का देखा भी नहीं, चला गया यहाँ छाया देवी मंदिर में, और पीछे ये मंदिर, और यहाँ पे लोग भी मिल गए हैं मेरे को, छाया में रुके हुए हैं। हाँ
हाथ दर्द करने लगा पूरा। एक राउंड घूमी मैं। गाइस अभी तक तो हम लोग चारों साइड पूरा घूम लिए हैं राउंडिंग राउंडिंग। अभी जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर, ऊपर जाते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ से मंदिर। चले ऊपर, चलो चलो इधर से। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एक मूर्ति बना हुआ है जो कि शेर है, और शेर के नीचे हाथी, और उसके नीचे एक आदमी बना हुआ है जो कि एक ही पत्थर से बना हुआ है, एक ही पत्थर से इसको बनाए हुए हैं। और जो शेर है उसका प्रतीक है ताकत, और जो हाथी है उसका मतलब है पैसा, और जो आदमी नीचे दबा हुआ है उसका मतलब है कि जिसके पास ताकत और पैसा होता है वो घमंड में आके ऐसे दब जाता है, तो इसका मतलब यही होता है। देख सकते हो ये भी कितना सुंदर लग रहा है। ये एंट्री गेट है लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में बनाया नहीं, तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर से अभी देखेंगे कैसा है, यहाँ से पूरा दिखता है मंदिर अच्छे से एकदम क्लियर। और यहाँ पे मेरे पति देव देख रहे हो, मेरा फोटो ले रहे हैं। तो चलते हैं अपन ऊपर और देखते हैं यहाँ से मंदिर का नज़ारा कैसा लगता है। यहीं से सूर्य का प्रकाश सीधा मंदिर में जाता है, इसलिए इसको सूर्य मंदिर। यहाँ पूरा सावधानी के साथ आए, अगर कोई भी आते हैं तो बहुत भयानक, यहाँ से गिरेंगे तो। आओ ऊपर, कब से खोज रहे हैं तुम लोग को। वहाँ दिखा, उधर भी दिखा, उधर भी दिखा, ऊपर से नजारा दिखा, ऊपर से नीचे का देख सकते हो नजारा। इधर देखो, इधर आ जाओ, दीपक को देख रहे हो, दे वहाँ पहुँच गया वो घूमते घूमते अकेले। मैं बहुत थक चुकी हूँ गाइस, और बहुत ज्यादा गर्मी भी है। यहाँ देख सकते हो सब छोटा छोटा मूर्ति है, एकदम पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, मैं क्या बोलूँ। और ये मंदिर जहाँ पे हम लोग अभी वीडियो बना रहे थे, यहाँ से ऐसा लग रहा है। टेम्पल से निकल चुके हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी दूसरे लोकेशन पे, अभी पता नहीं किधर जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं हम। हमारे सभी फ्रेंड लोग चले गए हैं, यहाँ से निकल गए हैं, वो लोग कॉल किए थे, और हम लोग तीनों लोग बचे हैं अभी शांति में। और फिर उसके बाद हम लोग कहीं और जाएंगे। देखो मंदिर, चलो फिर चलो। मंदिर से निकलने के बाद इधर मार्केट स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे बैग वैग और जो भी आप लोग को चाहिए सब है इधर, झूमर वगैरह घर में डेकोरेट करने के लिए। अरे ये कितने का है पूछो ना इसको, अच्छा दिख रहा है। एक एक है कि जोड़ा है इसका,